हाँ जी गाइस, हम निकल गए हैं। अन्नू भाई आ गए हैं हमारे पास, शादी में जा रहे हैं अन्नू भाई। वो ही बताया था हमने शादी बाबा की बेटी। अन्नू भाई आ गए फास्ट फूड की दुकान पे। मनोज भाई भी, मनोज भाई के लिए रिश्ता आया गाइस। बस मुझे छोड़ के कांटे पे आके बैठ गया। अभी अभी मैं बिल्कुल आया हूँ कांटे पे। मैंने रेडी हो गया निकलना मंदिर के लिए। स्कूटी निकाल ली मैंने, बुलेट नहीं लेके गद्दारी देके चला गया सैटेलाइट डिरेक्ट से मिलने। लेके नहीं गया बेटे तू आज, मेरे तो आज चक्कर कट गया बेटे। हमें पहले के गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। आज होगा बहुत लेट और सिर्फ अन्नू की वजह से। किसी ना किसी एक पे तो टाक ही दो। क्यों बोलते हो भाई? क्यों, अरे किसी ना किसी पे एक पे तो टेक दो। गाइस तो मैं एक बार दोबारा मिल चुका हूँ आपसे जिम से लौट के आते समय। हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। आज मैंने बज ने और लगाई थी चेस्ट और आयुष ने लगाई थी शोल्डर। आज बारिश हो गई थी ज़्यादा तो बंस की दीदी और उनकी फ्रेंड आई नहीं और लेट भी हो गए थे हम लोग। तो काफ़ी लेट हो गए थे, 7 बजे पहुँच पाए जिम। 6:30 नहीं भाई, 7 बजने वाले होंगे। 6:40 के समथिंग आए थे। 6:40 पे जिम पहुँच गए थे। जी हमारी बुलेट खड़ी है। ये आयुष भाई ना लाने से बढ़िया लाना है। तुम तो लाते हो साले, बैठ के आते हो। अरे वो ले रहा भाई, अब वो ले रहा। क्या कहते हैं मर्सिडीज जी वैगन यार, उतार दी है। अब तू लेके आगा छिड़के आज। कल से गाड़ी लेके गई ठीक है, मैंने बेइज्जती करी है। अब तूने छेड़ा, अब तू देख। अरे वो देख, उसे देखा दिखा कितना टंगा दी देख। अरे भाई साहब इधर ही देख रहे हैं। चलो यार जल्दी चलो, रस्ते में थोड़ा ब्लॉग बना लेंगे उसके बाद चलो। चलो यार अन्नू भाई नहीं ना फोन लाया जो ऑनलाइन चलाता है। भाई तुम खिला दो यार एक्सेलेरेटर। खा लो भाई, मैं तो नहीं खाऊंगा। तू खा अन्नू, हम तो खा लेंगे। मैं भाई अकेले नहीं खाऊंगा। नहीं खाता भाई अन्नू, मैं खाऊंगा भाई। खिला दो भाई। आयुष भाई का मन है आज छोले भटूरे खाने का और ये बंस भाई खिलवा रहा है। मैं बाकी अभी रोज रोज जिम करो, सुबह सुबह छोले भटूरे खाने चले जाओ। कैलोरी मिल जाएगी पूरी, जो सामने कैलोरी नहीं ट्रांस फैट मिलेगा। पर यार आज तो जेब लगानी है छोले भटूरे वाला। अब जा रहा गन्ना मिल भाई, करो ना गाड़ी स्टार्ट भाई। गन्ना लाओ ना भाई, गन्ना मिल नहीं खाएंगे। कहाँ खाओगे? त्याग ही चलते भाई, कहीं नहीं खाएंगे। त्याग ही चलना है यार, मैं भी तो फिर उसी दिन खाऊंगा। अरे यार तो खा लो ना फिर से अपना कोई प्रोटीन डेली का वो करने हैं। उसके बाद आज जाना मंदिर और मंदिर देखो कौन से जाएं। अन्नू से बात करते हैं, मिलते हैं फिर आपको अभी। ठीक है गाइस जी। गाइस तो ऊपर आ गए, मम्मी ने कपड़े दिए थे कपड़े डालने को, फिर डाल लिया। और मम्मी ने फिर कहा कि धूप भी ले लेना ऊपर जाके, पीठ के बल मतलब पीठ दिखा कर कपड़े अपने डाल दिए हैं। अब धूप ले रहे हैं। रात में भाई कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई शायद बहुत। अभी दीदी से भी नीचे पूछा, वो आज जिम नहीं गई क्योंकि जिम क्यों नहीं गई, जिम उनके हर दर्द हो रहा है क्योंकि सर में वो बांधी हुई थी। तो अभी बोल रहे थे बोलनी रात में बहुत बिकट बारिश हुई। देखो आप ये और ये देखो भाई, देख रहा कूड़ा कूड़ा मतलब इंसान। ये देखो ये दिखा दिया ना, बताता हूँ आपको। 50 रुपये जाते हैं भाई, नगर निगम वाली गाड़ी आती है, बट इंसान वो खर्च नहीं करना चाहता। मतलब इंसान कितना ही ज़्यादा कंजूस और वो है। मतलब देश को अच्छा खासा रखो भाई, साफ सुथरा तो कितना प्यारा लगेगा, खुद भी सोचो। और ये खुद नहीं सोचते हैं, हमारा घर ही भी है उसके पास में, नहीं उन्हें तो कूड़ा और 50 रुपये बचाने हैं। 50 रुपये बचा के कौन सी भाई अमीरी या कुछ हो जाएगी? कुछ लोग सीरियस में इतने कंजूस होते हैं ना, बस क्या ही बताऊँ। खैर भाई छोड़ो, हमारे घर से तो फिकता है भाई, मतलब 50 रुपये देके तो हमें इससे क्या करना। और मेन चीज़ हाँ, अभी बच गया 9, फिर अपने अभी नहाने जाएंगे धूप लेके और फिर अपने चलेंगे मंदिर। अन्नू से बात हुई, अन्नू ने फ़ोन भी लिया ही नया कह रहा था, तो वो बात करते हैं क्या है, हम प्रैंक कर रहे हैं लिया सही में। ओके गाइस देखना मैं कुछ भी करूँ, देखेगा मतलब इससे सोचता है कुछ खाने को या कुछ भी है। देखना अब ये देख कर रहा हूँ मैं, देखो है, देखो देखो चिल मचेगी इसके अंदर। इधर से करूँ, देखो इधर आ गया है। नहीं है ये, गाजर खा अपनी, ले गाजर खा। जब ये नहीं खाएगा देखो, है इसके नखरे, मतलब ज़्यादा ही नखरे आ गए इनके। क्यों जी गाइस, अब मैं नहाने जा रहा हूँ, अन्नू से बात हो गई, रेडी हो कॉल करवाने का। ठीक है भाई करते हैं रेडी हो कॉल। और भाई फाइनली मेरा कवर मिल गया, ये भाई से कितने दिन से ढूंढ रहा था सच में। अब कहेंगे भाई लोग कहेंगे कवर ही तो है भाई, भाई पसंद है भाई पसंद, और भी कवर है सब।
रेडी हो गया निकलना मंदिर के लिए, स्कूटी निकाल ली मैंने, बुलेट नहीं लेके जा रहा, बुलेट का इंश्योरेंस खत्म हो गया बस पार्टी वाला, तो मैं नहीं ले जा रहा, हमारे घर वाले थोड़े स्ट्रिक्ट ज्यादा, स्कूटी से ही जा रहा है, मिलते हैं फिर आपसे। अनु बेटा कांटे पे जरा भाई आ जा, मैंने कहा आ रहा हूँ, ये पर्चा लेना भाई गृहस्थी का सामान ला के, अभी दिखाता हूँ आपको हमारे क्या क्या आता है। हाँ ये रही अपनी चट्टो, आ इधर आ ले, आ देखा देखा कितनी वफादार है, देखा अभी खिलाऊंगा इसे पनीर आके मंदिर से पक्का, ठीक है मिलना यहीं पर। आज ही गाइस तो हम अब बस निकल चुके हैं मंदिर के लिए, अब कौन सा मंदिर जा रहा है, धोपा, हम जा रहे हैं धोपेश्वर नाथ मंदिर, कौन से चलेगा धोपेश्वर नाथ चलना, मैं भी नहीं धोपेश्वर दो बार, अभी तो हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, अब हम जा रहे हैं, ये सर ये जिम फिटनेस फर्स्ट जिम है ना, आज शाम को साड़ी में चलना है, नहीं भाई क्यों, अरे यार मन गद्दारी मत करो यार, गद्दारी क्या चलना पड़ेगा यार शादी में यार, क्यों अरे पास में ही तो है यार, ऐसी नहीं है मतलब बहुत पंडित है वो, मैंने अच्छी बुरी की शादी क्या यार, लड़की की शादी किसी की अच्छी बुरी से क्या यार, ये बताओ तो, हाँ लड़की की तो लिफाफा लेके जाते हैं, टंकी दिखाओ ट्रांसफार्मर दिखाओ, ट्रांसफार्मर और ये टंकी जे वाली टंकी पता है बहुत पुरानी है क्या, बहुत ही पुरानी हो गई, बहुत पुरानी, सबसे पहली बदायूं रोड पे टंकी यही थी का सबसे पहली टंकी बदायूं रोड की, आई थिंक क्या यही है, बाकी अब आप लोग कमेंट करके बताना मेरी शक्ल पहले से अच्छी लग रही है, सबसे प्यारा मंदिर हमारे इधर का माता रानी का चौरासी घंटा मंदिर, अब हम जा रहे हैं सामान का पर्चा देना, मतलब जो भी घर का होता है ग्रोसरी का सामान राजपार्टमेंटल स्टोर पहुंच गए दुकान पे, बस जा रहा पर्चा देने को, आगे हम दिखा दें पर्चा दे, पर्चा दे रहा है अपने घर का पंच हमेरा कोई सी, कोई सी हमेरा एक मिनट लगेगा, पहुंच गए मंदिर, काम कर रहे हैं मंदिर में एंट्री, जैसे हमारा है तो वैसे आपको भी होने चाहिए, दस अंदर बैठे हैं ना, और जय भाई है इसके आज हम प्रसाद लेते हैं अपना, ये बैठे हुआ है भाई, जय हो गाइस, ले लिया अनु भाई ने भी ले लिया अपने घर, चल रहे अंदर दर्शन कर लें क्या, ये पकड़ जल भर ले अनु भाई, मिलते हैं फिर कभी गाइस। हाँ जी गाइस तो निकल गए मंदिर से और ड्राइवर चेंज हो गया, मतलब अब अनु भाई चला रहे हैं स्कूटी, हम आ गए पीछे, हमने कहा चलाओ ब्लॉग बनाने के लिए, तो बता दो ब्लॉग बनाने के लिए, और वैसे भी भाई एक तरफ से ये चलाता है एक तरफ से मैं चलाता हूँ, और बुलेट होती तो कहते नहीं देता मैं छूने तक भी, तो वो चलाता भाई मजे गद्दारी मजे लेता हूँ, अरे और क्या, हाँ भाई मैं सोच रहा हूँ बहुत दिन से फोटो नहीं खिंचवाया, यहाँ पे एक दो फोटो क्लिक करवा लेंगे, ठीक है गाइस मिलता हूँ अभी, ठीक है आ गए मंदिर से दर्शन करके अपने, और रास्ते में मैंने भाई थोड़ा कुछ बनाना वगैरह खा लिया था, और अब अपने आके ब्रेकफास्ट करते हैं, बोल के गया था मम्मी दलिया बना देना, मम्मी जी मेरी मम्मी बहुत प्यारी है मुझे पता बना देती हैं जी, देखो ये रखा है मेरा दलिया, चलो मैं दलिया खा लूँ फिर देखते हैं खाने में क्या है, डाइट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, खैर अभी तो कटिंग पे नहीं हूँ बल्किंग पे हूँ, तो भाई कुछ भी खाते रहो बस,
कटिंग पे आना तो भाई डाइट बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। बल्किंग में तो ये है जैसे इंसान भाई अपना मोटा मतलब थोड़ा सा बल्क हो ना तो कुछ भी खा लेगा, मतलब देखना नहीं पड़ता। वैसे कटिंग में तो उसे कैलोरीज वगैरह सब कुछ काफ वगैरह बहुत कुछ देखना पड़ता है। चलो मैं खा लूँ फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है गाइस। हेलो गाइस, मैं आया था बंस के साथ अपनी छोटी वाली बहन को लेने उसके स्कूल, और बंस मुझे छोड़ के यहाँ अकेले चला गया। अपने फॉर्म केवाईसी उसने कराई थी ना अपने अकाउंट की, तो उसका फॉर्म सबमिट करने चला गया और मुझे स्कूल पे छोड़ गया। मुझे पैदल जाना पड़ रहा, अपना फ़ोन भी छोड़ के चला गया मेरे पास। बताओ है गद्दार नहीं है ये? चलो सही है। तो बंस मुझे छोड़ के कांटे पे आके बैठ गया। अभी मैं बिल्कुल आया हूँ कांटे पे, मैंने उसकी स्कूटी खड़ी देखी है, अब वो भी दिख रहा है सामने बैठा हुआ। हंस रहा, दांत दिखा रहा है बहुत बुरी तरह। देखियो जरा जी बैठा है जी, स्कूटी खड़ी है, हमें धोखा दे के इधर आके बैठ गए जी, जहाँ के मजे ले रहा है। मैंने कही थी इससे आज ही कॉल करूँ, तो आज ने ना इसका फ़ोन मेरे पास था, मैं कॉल ही नहीं कर पाया इसके पास। अब ये कांटे पे आके बैठ गया, मजबूरी मुझे पैदल आना पड़ा। और बन भाई दे दी गद्दारी, छोड़े है पैदल आना पड़ा बेटे। कैसा लगा भाई? सिस्टम है भाई, इस चक्कर में मैं तो आया। पर्ची बना दी? अच्छा भाई चलो भाई। अरे जी बताइए, खाली पड़ती जी बची है? हाँ। इसका क्या होता? कुछ नहीं होता, ये फेंक जाती है। दिखा क्या क्या करना पड़ता, दिखा। अरे तू बताना आराम से, तुझे सब पता होगा। मुझे कुछ नहीं पता, पर्ची तो तूने बनाई तीन चार। अरे बताना, मैं तो जहाँ डेट लिखते हैं, जहाँ रेता बजरी जो भी हो, जहाँ नंबर गाड़ी का, यहाँ वजन पूरा, यहाँ पे खाली वजन, यहाँ पे बचा हुआ माल, यहाँ रुपए, यहाँ अपने साइन, बस खत्म। बचा हुआ माल मतलब? और इसी के 100 रुपए मिल जाते हैं। बचा हुआ माल बता। हेलो, जो गाड़ी में होता है बच जाता है, जो जो गाड़ी में बच जाता है वो वाला। आज मैंने लगाई है गद्दारी देके चला गया सैटेलाइट व्यू से मिलने, लेके नहीं गया बेटे तू आज? मेरे तो आज चक्कर कट गया बेटे, मैं पहले गया डिस्ट्रिक्ट, फिर गया 300 बेड, फिर भी इंजेक्शन नहीं लगा। 300 बेड इंजेक्शन लगाने गया था तू? अभी बताऊ मैं? हाँ तू बता। इसके गाय कुतिया ने काट लिया। कौन सी ने काटा? अरे वही तो नहीं बताना चाह रही हूँ, कौन सी ने काटा, वरना कुतिया की जगह जीना पागल हो जाए। हाँ चल तू पूरी अपनी कहानी तो बता फिर। अरे फिर यार मेरा मूड खराब हो गया, मैं गया भैंस की पूंछ लेके चला गया, बाजी रुक गई आगे, कोबरे ने कुछ खिलाया पिलाया भाई। कोबरे ने खिलाया? कोबरे ने खिलाया यार, वो खिलाया क्या कहते हैं, कोबरे ने दूध खिलाया। मैं दूध, अरे दूध खिलाया क्योंकि डेयरी है ना उसके यहाँ से, डेयरी वाली। अरे क्या कह रहे हैं अन्न, देखिए उसकी भावना समझ में, मुंह क्या कह रहा था इधर करके। अरे बैंक का इन्वर्टीज के बच्चे आ गए गाइस, इन्वर्टीज की बच्ची आ गई। तुझे बहुत पता बच्चियां हैं, बच्चे हैं परियां गाइस। हम भी चले जाते मनोज भाई, लेके ही नहीं गए हमें, हम अपने विवेक कोबरे से मिलवाते हैं आपको। चलो अब जाएंगे तब मिलेंगे, अब कब जाना दोबारा? देखो कभी जाते हैं, कल जाऊंगा। और फिर भैया की शादी का सीन क्या हुआ, डेट वेट पता चली? भैया की शादी तो देखो कब होती है। चलो गाइस बता देंगे ज्यादा सीन होगा, ही मिलते हैं फिर। ओके गाइस, ओके। अभी मनु भाई आ गए फास्ट फूड की दुकान पे, मनोज भाई भी, मनोज भाई के लिए रिश्ता आया गाइस। मनोज कितने लाख मिल रहे हैं दहेज में? मिल रहे होंगे 1-2 करोड़ रुपया। 1-2 करोड़ मिल रहे होते तेरे सफेद बाल काले हो गए होते अभी से एक झटके में हो जाते। क्यों? क्या कहने के मनोज भाई, तुम्हारे लिए रिश्ता आ गया तो कह रहे हैं, क्या कहते हैं अगर रिश्ता आ गया। मैंने कहा दहेज में कितने रुपए मिलना है, कह रहा 1 करोड़। मैंने कहा 1 करोड़ हो रहा तो तेरे बाल काले हो जाते। सही बात है, सिस्टम करोड़े संपत्ति पे आधा कब्जा कर लेगी वो। अरे अब वो बेटा तेरी ब्लॉग देख के अब कतई नहीं आई, देखिए
हाँ जी गाइस, हम निकल गए, अन्नु भाई आ गए हमारे पास, शादी में जा रहे हैं अन्नु भाई। वो भी बताया था हमने शादी, बाबा की बेटी की शादी है, अपने निकल रहे हैं। ऋतिक और मनोज आ गए, मनोज ने भाई इतना लेट करा भी, देखो आपको सुनवाता हूँ ऋतिक, अभी पहले अन्नु भाई से गाली सुनवा दूँ, दो तीन गाली बख दी फिर ऋतिक सुनवा। भाई मैं क्या गाली बकूं उसे, अब वो 8 बजे से कहते कहते अब 9:30 बजे आ पाया, 9:30 बजे आ पाया, 1.5 घंटे इनने तो लड़कियां भी तार दी, बिल्कुल बेकार कर दी, मैगी बन जाती इतनी देर में तो। यार हाँ भाई, लो क्या है, कितना लेट करा तुम्हारे इनने, पगला उगला भाई, अकल उकल ले ली भाई। कौन सा कार्ड, लड़की की शादी है उनकी, तो आ गए घर पे और अपना फ़ोन लगा दिया चार्जिंग पे, जो कि पता ही आपको एडिटिंग करनी है, फिर एडिटिंग करके भाई सोना भी है, चूँकि सुबह जिम के लिए उठना, आज भाई लेट भी हो उठ गया था मैं, चूँकि बताऊँ क्यों, चूँकि रात में ब्लॉग के एडिट के चक्कर में लेट सो रहा था। चलो भाई फिर अब देरी ना करता हूँ, बिन फालतू की बातें ना छोड़ के सब, अब मिलते सीधे आपको कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।